सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं एक प्यारा सा ट्री हाउस। सो गाइस हम अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में आज बनाने वाले हैं तगड़ा सा ट्री हाउस। तो गाइस उसके लिए गाइस बहुत सारे वुड लगेगी, लीव्स लगेगी, प्लैंक्स लगेंगे, गाइस बहुत सारी चीजें लगेगी जो कि मैं जमा करता हूँ। और मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि कहाँ मैं इसको बनाने वाला हूँ। पहले तो गाइस खाना खा लेते हैं। पॉप चॉप पड़े हैं हमारे पास साथ, तो इन्हें खा लेते हैं। और गाइस ये रहा हमारा तगड़ा सा वीट फार्म। इसके सारे वीट अभी तक उगे नहीं, वेजिटेबल फार्म। और गाइस उस साइड में हम बनाने वाले हैं एक तगड़ा सा ट्री हाउस, बहुत बड़ा ट्री हाउस है। और गाइस जिसने भी मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो मैं इसके लिए बहुत सारे वुड जमा करके लाता हूँ। उस साइड में गाइस बहुत सारे पेड़ है, तो मैं जमा करके आपसे मिलता हूँ। सो गाइस फाइनली कई घंटों की मेहनत के बाद गाइस मैं बहुत सारी लीव्स और वुड तो लेके आ चुका हूँ। गाइस मैं बताता हूँ आपको वुड और लीव्स, ये 4 स्टैक लीव्स और 4 स्टैक वुड गाइस मेरे पास है। तो हम अपना ट्री हाउस बनाने से पहले कुछ मटेरियल्स बना लेते हैं, जैसे कि स्टेयर्स एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्लैंक्स, इतने इनफ रहेंगे। और क्या फेंके, इन्वेंटरी में स्पेस नहीं है, ये फेंकते हैं। इससे गाइस हम बना लेंगे स्टेयर्स। कैसे बनती, अच्छा ऐसे बनती है। तो चलिए गाइस अपने बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस कुछ स्लैब्स भी बना लेते हैं, बहुत सारे स्लैब बनाएंगे गाइस। एक स्टैक स्लैब बना लेते हैं। ओके गाइस तो चलिए अपने बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ट्री हाउस को बनाने के लिए हमें एक फुट यहाँ पर बीच में और उसके साइड साइड में बहुत सारे वुड लगाने पड़ते हैं। गलत कर दिया गाइस मैंने, तो ये हम साइड साइड में वुड लगा लेते हैं पहले, तो ये इस तरीके से। और गाइस ये वुड हाउस आपको अच्छा लगे तो आप अपनी सर्वाइवल सीरीज में इसे बना सकते हैं। ये सही नहीं लग रही गाइस वुड, कैसे बनाते हैं इस टाइप से गाइस। और गाइस बीच वाले वुड को तोड़ देंगे और ऐसे गाइस टोटल 10 ब्लॉक्स हम ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सो गाइस मैं यहाँ पर 10 ब्लॉक ऊपर आ चुका हूँ, तो हम ऐसे सारों को ऊपर ले आएंगे 10 ब्लॉक। सो फाइनली गाइस 10 ब्लॉक के हाइट पर जाने के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो हमें यहाँ पर 2 ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है और इसके 2 हाइट पर एक और ब्लॉक लगाना है, इस तरीके से गाइस, कुछ इस टाइप से। और गाइस इन्हें हम कवर्ड कर देंगे स्लैब से, इस कुछ इस टाइप से। ऐसे स्लैब लग ही नहीं रहा है, ऊपर लग रहा है। सो गाइस फाइनली मेरा इतना काम तो हो चुका है और मैंने गाइस लैडर भी बना ली थी। और गाइस चलते हैं ऊपर और ऊपर का काम खत्म करते हैं। तो गाइस ये हम आ गए हैं ऊपर। सो गाइस हमें यहाँ पर लगाने हैं कुछ प्लैंक्स। Okay.
सो गाइस फाइनली मेरा ये रूम तो एक बन चुका है, तो अब मैं बनाऊंगा अगला ऊपर वाला फ्लोर। तो इससे हम आ जाते हैं 5 ब्लॉक ऊपर। और गाइस मैं यहाँ पर ये ट्रैप डोर बनाकर भी ले आया था, 1 2 3। सो गाइस मैं यहाँ पर अब लगा देता हूँ बहुत सारे लीव्स, बहुत सारे लीव्स लगाते हैं गाइस यहाँ पर रूम के ऊपर ट्री हाउस के। तो चलिए गाइस जल्दी से यहाँ पर अब लीफ लगाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक स्टैक लीफ तो खत्म हो चुकी है, अब अगला स्टैक चालू करते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये लग गई है लीफ। सो गाइस मैं आपको ये सारी लीव्स लगाने के बाद मिलता हूँ। सो फाइनली गाइस कई सारी मेहनत के बाद ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और गाइस मैं लीव और लेके आया था, ये कम पड़ रही थी। तो गाइस चलिए अब आगे का स्टार्ट करते हैं बनाना। ये लेडर्स कहाँ हैं? सो गाइस हम यहाँ पर लगा देंगे लेडर्स कुछ इस टाइप से। तो लेडर ये लगी नहीं है। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं ऊपर। तो चलिए गाइस नेक्स्ट रूम बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे हम बना लेंगे कुछ प्लैंक्स। सो गाइस 2 स्टैक बना लेते हैं प्लैंक्स और चलिए गाइस बाकी का काम स्टार्ट करते हैं अगले रूम का। तो इस टाइप से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो गाइस चलिए अब इस पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस प्लैंक्स खत्म हो चुके हैं और ले लेंगे गाइस यहाँ से 64 प्लैंक्स है हमारे पास। तो इसे हम पूरा कवर कर लेंगे इससे प्लैंक से। तो गाइस इन्हें हम पूरा कवर कर लेंगे। तो गाइस रिकॉर्डिंग काफी लंबी हो चुकी है, इसका नेक्स्ट पार्ट गाइस मैं डालूंगा।
तो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं कर दीजिएगा गाइस। तो चलिए बाय बाय।